नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अल्पा राठौड़ मुंबई से आज आपके साथ बात करने आई हूँ वन स्टेप टू हेल्दी लाइफस्टाइल। ये एक हटके टॉपिक है, इसीलिए सोचा कि चलिए आपसे इस बारे में भी बात करनी चाहिए। ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में तो हमने बहुत सुना है। जिस वेलनेस इंडस्ट्री में हम आज काम कर रहे हैं, वहां पे सप्लीमेंट्री फूड का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी पता होना बहुत जरूरी है, राइट? तो आइए आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री फूड, ऑप्टिमम हेल्थ एंड वन स्टेप टू हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और हम क्या बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब अपना वीडियो ऑन कर देंगे, क्योंकि पीसी से बात करना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, राइट? कंप्यूटर से बात नहीं करना चाहती हूँ, आप सबसे आज बात करूंगी और ये एक थ्रू आउट इंटरेक्शन सेक्शन रहेगा। शायद प्रोडक्ट के बारे में हम सभी को नॉलेज है, कहीं ना कहीं हम सब चीजों को जानते हैं, लेकिन जो जानकारी के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है या उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मेरा मेजर आपके साथ कम्युनिकेट करने का यही एजेंडा रहेगा कि हम कैसे अपने आप को सप्लीमेंट्री के साथ कनेक्ट कर पाए, राइट? तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। ये एक पूरा थ्रू आउट सेशन है, वो कम्युनिकेशन पे रहेगा, हम सब एक साथ बात करेंगे। वीकेंड तो है नहीं, आज फ्राइडे है, सबने पूरे दिन काम किया है और काम करने के बाद अच्छा खासा खाना खा के हम आज करीबन 9:15 को बैठे। अगर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप आधे सेक्शन के बाद सो जाएंगे और वो मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये 1 घंटा तो मेरा है, बात तो मैं ही करूंगी, लेकिन उसी के साथ आपको मुझे रिस्पॉन्स देना है, राइट? तो मैं जो भी सवाल पूछूंगी आपको आपका थम रेस करके या चैट बॉक्स में थम दिखा के मुझे जवाब देना है। आई काउंट, मैं यहाँ पे काउंट करके उस तरीके से आपसे बात करूंगी, राइट? तो शुरू हो जाइए, आप सब अपना वीडियो ऑन रखिए और जो भी हमारा इंटरेक्शन होगा मैं चाहूंगी आप उसको रिस्पॉन्स करें और हम बात करें। आइए तो ले चलती हूँ आपको वन स्टेप टू हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर। जब हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल और बेहतर स्वास्थ्य और कह सकते हैं कि ऑप्टिमम हेल्थ, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, राइट? जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्यों जरूरत है। हमारा बिजनेस जैसे वाई से शुरू होता है कि वाई दिस बिजनेस, उसी तरह से आज ये सेशन की भी हम शुरुआत करेंगे वाई ऑप्टिमम हेल्थ, वाई बेहतर स्वास्थ्य, हमें क्यों ये करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो प्रोडक्ट का नॉलेज तो हम सभी के पास है, राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्यों करना है वाई सप्लीमेंट्री, उसी के साथ बात करते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री लेनी किसे है, स्वास्थ्य की किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में। तो इसके लिए पहले समझ लेते हैं कि हमारा शरीर कैसा है। कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है वो मानव शरीर 63 ट्रिलियन कोशिका यानी कि सेल का बना हुआ है। अगर ये सेल से बने हुए शरीर को बहुत ही हेल्दी तरीके से हमें ले जाना है आगे और उसके साथ काम करना है, तो हमें उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण देना बहुत जरूरी है, यानी कि न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। अब ये शरीर को अच्छी तरह से काम करवाने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आता कहाँ से है, कहीं ना कहीं हमारे खान पान, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो आहार लेते हैं, वही आहार में से न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर हमारा शरीर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है तो उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं हमने अपने खान पान पे यानी कि हमारे आहार पे ध्यान नहीं दिया है। यानी कि अगर हमारे खाने में जो आहार है वो आहार हमारा असंतुलित है, उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन या पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं है, तो वो हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना जरूरी है, राइट? तो अभी मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या हमारा खाना अच्छा है। आप में से कितने फ्रेंड्स अग्री करते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, अच्छा है? अग्री कर रहे हैं तो थम डाउन कीजिए और नहीं कर रहे तो थम रेज कीजिए। चलिए उसके बाद ही मैं आगे आपसे बात करूंगी। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो एकदम परफेक्ट है, शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं,
यस आई कैन सी द चैट बॉक्स, बहुत सारों ने थम डाउन किया, यानी कि आप सब मुझसे एग्रीड करते हो कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो अगर हम एग्री कर रहे हैं कि हमारा खाना पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व वाला नहीं है, तो ये सेशन अभी आपके लिए है, या आगे आने वाला एक घंटा आपको अच्छे से सुनना है और मेरे सवालों का जवाब देना है, राइट? तो इसीलिए चलिए ले जाती हूँ आपको आगे एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ। अगर हम बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं, राइट फ्रेंड्स, तो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले है नियमित एक्सरसाइज, सेकंड आता है प्रॉपर डाइट, उसके बाद आता है एडिक्वेट रेस्ट, और आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम इस ये सब चीजों की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए अभी कि एक अच्छी हेल्थ के लिए अगर हमें ये चार चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आप में से कितने ऐसे हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, एवरीडे सुबह एक्सरसाइज करते हैं? थम रेज कर सकते हैं, क्योंकि काउंटडाउन पे ही हमारा आगे का सेशन चलेगा, और तो ही आप ये चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप में से कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं? यस, हार्डली 3 to 4। हम कितने जन हैं मिताली जी यहाँ पे, राइट? उसमें से हार्डली 10 नंबर भी नहीं हुए हैं जो एवरीडे सुबह एक्सरसाइज करते। चलिए दूसरा सवाल, कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छे से नींद लेते हैं? थम रेज कीजिए फटाफट, सेशन का टाइम हमारे पास बहुत कम है। 3 OMG, कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके आहार में रोज 5 तरह के अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल है? हम कम से कम 3 से 4 प्रकार के फ्रूट्स और 3 से 4 प्रकार की भाजियों का या वेजिटेबल्स का अपने आहार में समावेश कर रहे हैं या ले रहे हैं? 4, राइट? मिताली जी आप मुझे बता सकते हैं टोटल काउंटिंग कितने हैं? यस, राइट, टोटल काउंटिंग सिर्फ 5 है। और कितने है आज हम ये सेशन में अभी? 100 फ्रेंड, 100 जन है हम आज, और ये 100 जन में से सिर्फ 3 से मैक्सिमम 5 जन ऐसे हैं जो रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, और अच्छा बैलेंस डाइट जो शायद हम मानते हैं वो खाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करूं तो या कहीं ना कहीं बिजनेस में आके विनिंग टीम के साथ हमने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे बहुत अच्छा काम कर लिया है। 70 से 80% हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को ले चुके हैं, या अपने अंदर हमने वो जो सेशन है या वो जो चीज है वो हमने अपना ली है। अगर 100 to 120 में से अगर 5 ही लोग ऐसे हैं कि जो शायद एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे से नींद ले रहे हैं, अच्छा अपने हिसाब से बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एटीट्यूड तो हमारे पास है, तो आपको क्या लगता है ये सेशन की जरूरत है या नहीं? राइट, बहुत जरूरत है, क्योंकि रेशियो बहुत नीचे है। आइए बात करते हैं ये कैसे हमारी जीवन शैली से और हमसे जुड़ी हुई है, राइट? जब हम बात करते हैं अच्छे आहार की, राइट, ये कहीं ना कहीं हमारा जो 4 पायदान है या 4 जो स्तंभ है वहां पे क्यों ये सब गड़बड़ी हो रही है? सबसे पहले भाग दौड़ वाली जिंदगी, हमने अपने आप को ऐसे ढांचे में डाल दिया है कि जहां पे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे हमारा स्टेटस दिखाता है बिजी, बहुत अच्छा लगता है ये देख के, बिजी, राइट? मतलब इतने बिजी है हम अपनी जिंदगी में कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो चुके हैं। रोज सुबह उठ के वही ट्रेन, वही जॉब, वही स्ट्रेस, वही चीज, अपने आप को इतना दौड़ धाम में हमने काम के पीछे डाल दिया है कि अपने खुद से हम अलग हो गए। सेकेंड थिंग, आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो दिन के
बहुत सारा टाइम चाय पे गुजारते होंगे। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं, चलिए फिर से एक बार काउंट डाउन, दिन की कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 5 से ज्यादा चाय पीते हैं। बहुत मजा आने वाला है ये सेशन में। मुझे आपका वाई ही क्रीम, अभी सबसे पहले आपके वाई के साथ ही काम करना है, क्यों सप्लीमेंट्री। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिन में कम से कम 5 से ज्यादा चाय पीते हैं, दूध वाली अच्छी खासी उबली हुई। यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, हमारे होस्ट भी है उसमें, मिताली जी, वेरी गुड। यस, कितने फ्रेंड्स हैं जो रोज 5 से ज्यादा दूध वाली चाय अच्छे से उबाल के पीते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने का टाइम नहीं है। 4, राइट। कितने ऐसे हैं जो करीबन दिन में 2 बार उबली हुई चाय पीते हैं, दूध वाली। सुबह उठ के तो मैम चाय चाहिए, चाय के बिना आंख नहीं खुलती है, दिन की शुरुआत नहीं होती है। यस, आप थंब रेज कर सकते हैं अगर आपका दिन सिर्फ हमारी दूध वाली अच्छी उबली हुई चाय से होता है। यस, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके दिन की शुरुआत उबली हुई चाय से होती है। आपको पता है ये जो चाय हम दूध वाली लेते हैं उसे कहीं ना कहीं हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक हर्बल टी के साथ, एक हेल्दी ड्रिंक के साथ। हमारे भारत में हमारा ग्रेटिट्यूड है, हमारे संस्कार है कि हम जब मेहमानों की आगता स्वागता करते हैं ना तो उनको चाय ही पूछते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हम उनको चाय के रूप में कहीं ना कहीं एक साइलेंट एसिड सर्व कर रहे हैं, राइट। चाय पीना अच्छी बात है, लेकिन उसे एक हेल्दी ड्रिंक की तरह लीजिए, ना ही उसे ऐसी आदत बनाइए कि कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट करे, राइट। सी, ये सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, अगर लिया अच्छे से तो हम आराम से कर सकते हैं। सो उबली हुई दूध वाली चाय की जगह सबसे पहले एक चेंज कीजिए कि हर्बल टी लेना शुरुआत कीजिए। आपकी चाय गुड़ वाली होनी चाहिए। यस, जट्टा टी तो हमें यूज करनी है क्योंकि वो हमारे पीवी के साथ आती है, तो थोड़ी सी जट्टा टी के साथ गुड़ डालिए, जिंजर डालिए, इलायची डालिए, उबालिए और पी लीजिए। शक्कर का प्रयोग बंद कर दीजिए, दूध का प्रयोग चाय के साथ बंद कर दीजिए। दूध के एडवांटेजेस क्या है और कैसे लेना है उसके बारे में बाद में बात करती हूँ, पहले चाय से शुरुआत करते हैं, राइट। तो हमारी सुबह की चाय है वो एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में हमें लेनी है, जो अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट के साथ हमारे शरीर में जानी चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी लाइफ, जहां हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छी हेल्दी चाय से होती है। सेकेंड थिंग, वी मुंबई कर ना, मुझे नहीं पता है आप सब कहाँ से हो, बट वी आर मुंबई कर। हमारा क्लासिक नाश्ता है मुंबई का वड़ा पाव। यस, दिन में खाने का टाइम शायद मिलता नहीं है, ऑफिस में बॉस का प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, वाइफ को खाना बनाने का शायद टिफिन बनाने का टाइम नहीं मिला, वॉट एवर एक्स वाई जेड रीजन। और अगर टिफिन बॉक्स साथ में है तो भी 4 बजे का नाश्ता तो हमारे क्लासिक नाश्ते से ही होता है, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, भले ना आधा खाया लेकिन चाहिए, यानी कि हमारे खाने में आ गया है जंक फूड। ये जो जंक फूड हम खाते हैं उसकी बहुत डाइवर्स इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पे होती है। चलिए आपको एक 20 साल पीछे लेके जाते हैं, हमारे दादा दादी और नाना नानी के दौर में। हमारे दादा दादी और नाना नानी 80 साल के थे ना, फिर भी शायद चश्मा नहीं लगा था उनको, हाथ में लकड़ी नहीं ली थी उन्होंने, उनके दांत नहीं गिरे थे। डायबिटीज क्या है वो शायद उन्होंने कभी सुना नहीं था, राइट। और हमने तो सुना भी है कि जैसा मेरी दादी हमेशा बोला करती थी कि जैसा घी दूध हमने खाया है तुम्हारे तो नसीब में भी नहीं हुआ है, कि हमारे तो घर का घी था, राइट। तो मतलब हमें पता है कैसा खाना उन्होंने खाया है और हमने क्या हम क्या खा रहे हैं। तो जो खाने की जो क्वालिटी थी वो उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, शायद हम वो क्वालिटी को आज नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े चेंज तो कर सकते हैं, यानी कि खाना कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, राइट। तो उन्हें कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज हम 30 की उम्र में ही चश्मा लग जाता है, बच्चे डायबिटीज थायराइड के साथ पैदा होने लगे हैं, 40 पे पहुंचते पहुंचते हमारी कमर और हाथ जवाब दे देते हैं, हम कहीं ना कहीं चढ़ते हुए थक जाते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती है और हम तैयार और हम ना बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बाबा अभी उम्र हो गई है,
शायद 70-80 साल के दादा दादी ने कभी नहीं कहा था कि हमारी उम्र हो गई है, लेकिन 40-45 पे पहुंचते पहुंचते हम ये चीजों को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो खाना है, राइट, जो जंक फूड पे हमने इतना जबरदस्त जंप लिया है, उसे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। उन्होंने कभी पिज्जा, बर्गर, पास्ता नहीं खाया था, लेकिन हमारे घर में महीने में एक आध दो बार हो ही जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, डेफिनेटली जिस दौर में और जिस ट्रेड में हम जी रहे हैं वहां पे ये सब चीजें बहुत कॉमन है और हमें इसे एक्सेप्ट करनी है, पर कहीं ना कहीं ये चीजों पे कंट्रोल डेफिनेटली हमारे हाथ में है, राइट। तो जंक फूड है, हमारे खान पान का जो तरीका है वो एक मेजर एस्पेक्ट है, कह सकती हूँ, जो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे हेल्थ पे असर करता है। उसके बाद जो सेकेंड है, राइट, जैसे अभी मैंने कहा कि खाने पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो खाना, जो बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं तो सेशन पे सवाल आते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी रहता है, हम दोपहर के खाने में बैलेंस डाइट लेते हैं, मेरे खाने में दाल है, सब्जी है, चपाती है, भाजी है, दही है, एक मतलब संपूर्ण आहार दोपहर को हो जाता है, हमारा नाश्ता होता है, रात का खाना, मतलब हमारे दिन में जितनी जरूरत है उतना पूरा आहार हम लेते हैं, तो हमें शायद सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है। आज मुझे सुनने वाले बहुत सारे फ्रेंड्स भी ये सोचते होंगे, आइए क्या खाते हैं उसे मिलवाती हूँ आपको। आज जो हमारे पास खाना हमारे घर में आता है, क्या वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क, राइट। जो दूध हमारे घर में आता है वो दूध में भी कहीं ना कहीं ऑक्सीटॉक्सिन है, हमारी जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, वहां पे यूरिया, कीटनाशक, केमिकल युक्त सब्जियां, कार्बाइड्स इतना यूज होता है। इवन जो नई टेक्निक है हाइब्रिड्स की, ये कहीं ना कहीं हमारे आहार की गुणवत्ता को नीचे ला रही है, और जिस तरह से पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक फार्मिंग में यूज होते हैं, वो हमारे घर पे आने के बाद हम कितना भी साफ करें लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो चीज पकी ही उससे है, तो हम निकाल निकाल के कितना निकालेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जाने ही वाला है, कहाँ से आता है वो तो हमें पता नहीं है, और जो मुंबई में रहते हैं, लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर में भाजियां आती कहाँ से। हम सब रोज सुबह आते और जाते वक्त देखते हैं हमारी भाजियां उगती है हमारे रेलवे ट्रैक के साइड में से, और वहां पानी कौन सा जाता है वो हमारी आंखों के सामने जाता है, और फिर भी हम कहते हम अच्छा खाना खाते हैं। यानी कि शायद हम ये इम्प्रेशन में है कि हमने बहुत अच्छा आज खाना खाया है, हमारे खाने में सब कलर्स आ गए, 2-3 भाजियां आ गई, फ्रूट्स आ गए, डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन देता है और बहुत जरूरी है, लेकिन वो अपने साथ हमारे लिए गिफ्ट में लेके आता है टॉक्सिक, जिसको निकालना शायद हमारे हाथ में नहीं है। ये एक रीजन है, कहा जाता है कि दिन के हमारे पूरे दिन के खाने में, खाने के साथ करीबन 4 से 5 किलो हानिकारक पेस्टिसाइड्स और केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं। क्या फ्रेंड्स हमने कभी ये सोचा है कि इससे हमारे शरीर को हम कैसे बचा पाएंगे? नहीं। आइए उसका उपाय भी आपको दिखा दूंगी। उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस है, मैम बॉस का बहुत टेंशन है, प्रेशर बहुत है, काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए व्हाट्सएप का टैग है बिजी, राइट, अवेलेबल ओनली ऑन व्हाट्सएप, ऐसे टेक्स्ट हम रखते हैं, राइट। और ये जो स्ट्रेस टेंशन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सह नहीं पाते हैं, और ये डाइवर्ट होता है हमारे हैबिट्स और बुरी आदतों में, कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जो आदत है वो सबसे बड़ा रीजन है हमारी हेल्थ पे असर करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को संपूर्ण तरह से खराब करने का काम ऐसी आदतें करता है, राइट, जिसपे शायद हम चाहे तो भी बहुत बार कंट्रोल नहीं कर पाते, और जो नहीं लेते हैं, क्या हमें पता है हम एक्टिव नहीं तो पैसिव स्मोकर तो है ही, अगर हमारे आजू बाजू भी कोई स्मोकिंग कर रहा है, राइट, तो जो स्मोकिंग कर रहा है उसे तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो नहीं कर रहा है उसे भी हो रहा है, तो एक्टिव ना सही पैसिव स्मोकर तो हम बन ही जाते हैं। तो ये एक रीजन है जो हमारी
हेल्थ पे असर करता है, और सबसे ज्यादा डरावना जो है वो है ओबेसिटी। आज भारत जो मासेस का देश माना जाता है, कंट्री मानी जाती है, सबसे ज्यादा मास भारत में है, लोग सबसे ज्यादा भारत में है, तो कहा जाता है कि हेल्थ इश्यू और डिजीज में भी भारत नंबर वन बनता जा रहा है। ओबेसिटी के सबसे ज्यादा नंबर्स भारत में है, हार्ट डिजीज के नंबर्स एवरी डे ग्रोइंग कर रहे हैं, भारत इज अ कैपिटल मार्केट ऑफ डायबिटीज, राइट। तो ये जो चीजें हो रही है वो हो क्यों रही है, कहीं ना कहीं हमारा आहार बराबर नहीं है, और ये आहार ने कहीं ना कहीं हमें लेके आया है मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ, और ये ओबेज बॉडी ही हमें ले जाती है कैंसर, जॉइंट पेन, हार्ट अटैक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब नंबर्स ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज जोन में हमें लेके जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे बताइए आप में से कितने ऐसे, अगेन आपके लिए, आप में से कितने ऐसे जिनको पता है अपना बीएमआई क्या है, बॉडी इंडेक्स मास, यानी कि हमारा बीएमआई कितना है, कितनों ने अपना बीएमआई करवाया है। यस, अब थंबनेल्स कर सकते हैं। मिताली जी काउंटडाउन शुरू कीजिए, कितने ऐसे हैं जिनको अपना बीएमआई पता है, बॉडी इंडेक्स मास पता है। यस, इंटरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा, आप सो नहीं पाओगे, राइट। अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और बात करना शुरू कीजिए। यस, दो, मैं भी हूं उसमें, तीन, यस मिताली जी, चार, यस फ्रेंड्स, कितने ऐसे हैं जिनको अपना बीआईएम पता है, बॉडी इंडेक्स मास के बारे में जानते हैं और करवाया है। यस, सी, इतने सारे हम आज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें से नंबर सिर्फ दो या चार, मतलब हमें ही अपने बीएमआई के बारे में नहीं पता है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बीएमआई ये एक ऐसा मेजरमेंट है जो हमें दिखाता है कि हमारी बॉडी हमारे हाइट के हिसाब और वेट के हिसाब से फिट है कि नहीं, हम तंदुरुस्त है कि नहीं, वो हमारा बीएमआई डिटेक्ट करता है। अब कल जाके सबसे पहले आप अपना बीएमआई चेक कीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ है, कितना इसे मेंटेनेंस जोन में जाने की जरूरत है। हम सभी को ये अपने बारे में, हमारे, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था, आज मुझे सप्लीमेंट्री से ज्यादा आपको आपसे मिलवाना है। आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे हैं। आइए मिलते हैं अपने आप से एक स्टेप आगे, राइट। ये सब जो हो रहा है, खान पान बराबर नहीं है, शायद हम स्ट्रेस में बहुत है, हमारी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, ये जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें लेके किस तरफ जा रहा है, इलाज इलाज इलाज, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हम डिसऑर्डर और डिजीज जोन में लेके जा रहे हैं। पूरी लाइफ हम काम के पीछे भागते हैं, सेविंग करते हैं, पैसे बचाते हैं कि आगे जाके काम आएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए ये आगे जाने वाला पैसा आपको काम आने वाला है या डॉक्टर को? रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन और प्रोविडेंट फंड आएगा वो आपके एंजॉयमेंट के लिए रहेगा या डॉक्टर के? यस, अगर डॉक्टर के लिए बचा रहे हो तो आपको नहीं लगता है खुद के शरीर के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यही चीजें हैं कि थोड़ा हम अपने हैबिट्स, थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान दे, हमारे आहार पे ध्यान दे, तो आने वाले समय में जो पैसे हम जोड़ते हैं, जमा करते हैं, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करेंगे, ना ही इलाज के लिए। भारत में आज जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती है, डिसऑर्डर की तरफ हम अपने आप को लेके जाते हैं, वहां हम ओपन मार्केट में जाते हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, अल्सर, राइट, बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन देते देते कहीं ना कहीं 40-50 तक हम उनका नॉकिंग शुरू कर देते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे पास अच्छी खासी सेविंग है, राइट। एवरी डे ये जो बीमारी या डिसऑर्डर जोन में जाने के बाद जो खर्चा होता है ना फ्रेंड्स, वो एवरी डे 1500 से 2000 का खर्चा होता है, और इमरजेंसी आई तो कहीं ना कहीं से जो भी जुगाड़ हो वो करके हम वो खर्चे कर भी लेते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा खर्चा जब एक टाइम स्पेंड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अभी से अपनी हेल्थ के लिए नहीं डाल सकते? अगर अभी से ये सावधानी बरती और थोड़ा थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट किया तो ये होने वाले बड़े खर्चे से हम बच सकते हैं।
आइए देखते हैं ये काम कैसे होगा। हमारे रहन सहन खान पान में थोड़ा सा चेंज हमें एक ऑप्टिमम हेल्थ एंड वन स्टेप टू हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर लेके जाएगा, जहां पे हमें करना है नियमित एक्सरसाइज एवरी डे आधा घंटा मेरे लिए। आप सबको बोलना पड़ेगा मेरे लिए साथ, बोलिए अपने आप। शायद मुझे सुनाई नहीं देगा, वो तो मैं आपको अलाउड नहीं करूंगी बोलने के लिए, अनम्यूट करूंगी तो मुझे बोलने नहीं मिलेगा। सो मन में एक बार बोल दीजिए राइट, कि दिन का सुबह का आधा घंटा मेरे लिए, सिर्फ आधे घंटे की नॉर्मल एक्सरसाइज करके तो देखिए कितना मजा आता है। पॉजिटिव सोच, यस, हमारा विनिंग टीम एवरी डे हमारे लिए मेडिटेशन सेशन लेके आता है सुबह, जहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव चीजों के बारे में बात होती है, जिससे हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। खाना, हम ब्लेस्ड है, जिसके बारे में आगे मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह का खाना हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो एक संतुलित आहार यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने का जो आपका डिसीजन है, वो आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है। सी, या तो आप एक हेल्दी डाइट यानी कि संपूर्ण आहार की तरफ आज एक कदम बढ़ाएंगे, या तो फिर आज आप एक कदम बढ़ाएंगे इलाज की ओर। चॉइस आपकी है, इलाज की ओर आगे एक कदम बढ़ाना है या एक आहार अच्छा करके एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर आगे कदम बढ़ाना है, राइट। चॉइस आपकी रहेगी, इंफॉर्मेशन मेरी रहेगी। आइए देखते हैं कि मैं तो इलाज की तरफ कभी भी बढ़ने की ये नहीं दूंगी एडवाइस, मेरी इसके आगे की जो आधे घंटे की बात होगी वो डेफिनेटली एक अच्छे आहार और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही होगी। अगर आपका डिसीजन ये है तो आगे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट।